नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि एंटीसिपेटरी यानी अग्रिम जमानत क्या होती है और ये कहां से और कब प्राप्त की जाती है। लेकिन इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है। देखिए, जैसा कि नाम से ही विदित है कि अग्रिम यानी पहले से ही, अग्रिम का मतलब होता है आगे। तो जब भी आपको गिरफ्तार किया जाता है उससे पहले ही आप कोई जमानत ले लेते हैं कोर्ट से, तो उसे कहते हैं अग्रिम जमानत। देखिए, जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई शंके मामले में कोई रिपोर्ट दर्ज हो जाती है और उस व्यक्ति को ये संभावना होती है कि उस मामले में उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति द्वारा एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन किया जाता है। एंटीसिपेटरी बेल के लिए हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आवेदन किया जाता है। यानी कि ऐसा कोई कोर्ट जो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है वो एंटीसिपेटरी बेल के आवेदन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता और उनका या उन पे सुनवाई नहीं कर सकता और ना ही वो ऐसे मामलों में जमानत दे सकता है। एंटीसिपेटरी बेल को सुनने का अधिकार और उस पे जमानत देने का अधिकार केवल भी केवल हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही प्रदान किया गया है। तो जब भी किसी व्यक्ति को ये संभावना हो कि उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उस संबंध में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति यानी गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पेश करता है। और जिस किसी मामले में हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समक्ष एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन किया गया है, ऐसा कोर्ट उस मामले की केस डायरी को तलब करता है और केस डायरी के तलब करने के बाद जैसे ही कोर्ट के समक्ष वह केस डायरी पहुंच जाती है उस मामले से संबंधित तथ्यों पर विचार करता है और साथ में यह भी देखा जाता है कि जिस किसी व्यक्ति के द्वारा यानी किसी अभियुक्त के द्वारा एंटीसिपेटरी बेल की प्रार्थना की गई है तो क्या वाकई में ऐसे कोई आधार हैं जिनके आधार पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि कोर्ट को उस मामले की केस डायरी और मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद यह लगता है कि इस मामले में एंटीसिपेटरी बेल दिया जाना उचित नहीं है तो कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल दिए जाने से मना भी कर सकता है। एंटीसिपेटरी मामले में आपको ध्यान रखने की बात यह है कि कोई भी ऐसा मामला जो कॉग्निजेबल हो यानी गंभीर प्रकृति का यानी संज्ञेय अपराध हो तो ऐसे मामलों में ही एंटीसिपेटरी बेल प्राप्त की जा सकती है। एंटीसिपेटरी बेल कभी भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में प्राप्त नहीं की जा सकती है, यानी साधारण प्रकृति के अपराधों में एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो आवेदन किया जाता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट के समक्ष ही किया जा सकता है, अन्य किसी न्यायालय के समक्ष नहीं किया जा सकता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी कोई मामले में एफआईआर दर्ज होती है उसके बाद ही जब आपको गिरफ्तारी की आशंका हो तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन किया जा सकता है। यदि आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है तो ऐसी दशा में आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए जब तक आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है तब तक आप आवेदन कर सकते हैं और ऐसे मामलों में ही आवेदन किया जा सकता है जो गंभीर प्रकृति के यानी कॉग्निजेबल मामले हो। यदि आपके मामले में कोर्ट के समक्ष चार्जशीट पेश कर दी जाती है और कोर्ट उस मामले में संज्ञान ले लेता है तो उसके बाद भी आप हाई कोर्ट में या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हैं। ऐसी दशा में आपको हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल दे सकते हैं, ग्रांट कर सकते हैं। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण मामला बजरंग अग्रवाल बनाम बिहार राज्य का प्रमुख है। इस मामले में पटना उच्च न्यायालय ने यह कहा कि कोई भी मजिस्ट्रेट किसी मामले में संज्ञान ले लेता है तो उसके बाद भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन किया जा सकता है और ऐसी दशा में उस आवेदन पर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की जा सकती है। जब भी कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल प्रदान करता है यानी ग्रांट करता है तो उस समय कोर्ट कुछ बिंदुओं पर विचार करता है। यानी कि कोर्ट ये देखता है कि जिस किसी मामले में एंटीसिपेटरी बेल मांगी गई है उस मामले का नेचर कैसा है, उस मामले की प्रकृति कैसी है। साथ ही यह भी देखता है कि जिस किसी अभियुक्त के संबंध में एंटीसिपेटरी बेल की मांग की गई है तो क्या ऐसा अभियुक्त पूर्व में किसी आरोप में दोषित किया गया है या फिर नहीं किया गया है, या फिर ऐसे अभियुक्त से किसी भी प्रकार के इस मामले को प्रभावित करने की कोई संभावना है या फिर नहीं है। यदि कोर्ट को यह लगता है कि अभियुक्त ऐसे मामले को प्रभावित कर सकता है यदि उसे एंटीसिपेटरी बेल दे दी गई तो ऐसी दशा में कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल देने से इनकार भी कर सकता है। साथ ही कोर्ट यह भी देखता है कि जिस किसी व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज कराई गई है यानी मामला दर्ज कराया गया है क्या उस व्यक्ति को अपमानित करने के आशय से या चोट पहुंचाने के आशय से तो वो मामला दर्ज नहीं करवाया गया है,
यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति को अपमानित करने के आशय से या उसे चोट पहुंचाने के आशय से ये मामला दर्ज कराया गया है, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति को बेल ग्रांट कर दी जाती है। एंटीसिपेटरी बेल प्रदान करना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के विवेक पर डिपेंड करता है। जब भी आप कोर्ट के समक्ष एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन करते हैं, तो ऐसी दशा में या तो आपके आवेदन पर विचार किया जाएगा या फिर आपके आवेदन को तत्काल खारिज कर दिया जाता है। जब आपके आवेदन पर कोर्ट द्वारा विचार किया जाता है और आपको एंट्रिम बेल यानी एंट्रिम एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाती है, तो ऐसी दशा में 7 दिन के भीतर भीतर लोक अभियोजक को और उस जिले के पुलिस अधीक्षक को भी सूचना दी जाती है कि इस मामले में एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी गई है। यदि आप चाहते हैं कि इन्हें एंटीसिपेटरी बेल पूर्ण रूप से अंतिम रूप से प्रदान नहीं की जाए, तो आप मामले के तथ्यों से हमें अवगत कराएं। और ऐसा लोक अभियोजक जब कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर उस मामले में यह साबित कर देता है कि ऐसे व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल दिया जाना उचित नहीं है, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल अंतिम रूप से नहीं दी जाती है यानी ग्रांट नहीं की जाती है। जब भी कोर्ट किसी मामले में एंटीसिपेटरी बेल देता है, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति के विदेश को जाने पर भी रोक लगाई दी जाती है। साथ ही उसे इस शर्त पे छोड़ा जाता है कि यदि पुलिस को जब कभी आपकी कोई आवश्यकता होगी यानी पुलिस को कोई आपसे पूछताछ करनी होगी, तो ऐसी दशा में आप कोर्ट के पुलिस के समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। ध्यान रहे कि जब भी एंटीसिपेटरी बेल का आवेदन किया जाता है, तो ऐसी दशा में जिस किसी व्यक्ति के संबंध में एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन किया जाता है यानी जो भी अभियुक्त है इस मामले में, उसे कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक नहीं होता। लेकिन यदि कोर्ट चाहता है कि ऐसे व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष उपस्थित करे, तो ऐसी दशा में कोर्ट के समक्ष ऐसे व्यक्ति को उपस्थित करना होता है। यदि कोर्ट ऐसे व्यक्ति की कोर्ट के समक्ष उपस्थिति की मांग नहीं करता, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति के वकालतनामे पर हस्ताक्षर उसके परिजन या उसका कोई रिश्तेदार या मित्र करवाकर उसके वकील तक पहुंचा देता है। उस मामले में वकील उसके बाद एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट के समक्ष आवेदन कर देता है। एंटीसिपेटरी बेल के लिए जब आवेदन किया जाता है, तो कुछ ऐसे साक्ष्य भी पेश किए जाते हैं जिनके आधार पर कोर्ट जमानत दे सके यानी एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर सके। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत के संबंध में। यदि आप किसी मामले में अभियुक्त हैं यानी आपके खिलाफ कोई FIR दर्ज हो गई है और अभी तक आपको पुलिस ने उस मामले में गिरफ्तार नहीं किया है और ऐसा मामला कॉग्निजेबल यानी गंभीर प्रकृति का संज्ञेय अपराध है, तो ऐसी दशा में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उच्च न्यायालय के समक्ष एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिकतर सबसे पहले एंटीसिपेटरी बेल के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आवेदन किया जाता है। जब यदि आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो ऐसी दशा में आप हाई कोर्ट के समक्ष आवेदन करते हैं। हालांकि हाई कोर्ट के समक्ष भी आप डायरेक्टली आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें उचित यही होगा कि जब आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल ना मिले, तो ऐसी दशा में आप हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाएं। क्योंकि अगर हाई कोर्ट से आपका एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन खारिज हो जाएगा, तो ऐसी दशा में आपके पास कोई और उपचार नहीं रहेगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 137 में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों की यानी सुप्रीम कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई नहीं करेगा। यदि किसी अभियुक्त के हित प्रभावित होते हैं, तो ऐसी दशा में सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे मामले को सुनवाई कर उसे एंटीसिपेटरी बेल दिए जाने के आदेश दे सकता है। और यदि एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर ली जाती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और ऐसी दशा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील हाई कोर्ट में चली जाती है, तो ऐसी दशा में आपकी बेल जो ग्रांट की गई है उसे अपास्त भी किया जा सकता है यानी उसे खारिज किया जा सकता है और आपको गिरफ्तारी के आदेश भी दिए जाते हैं। और जब भी आपको किसी दशा में यानी किसी मामले में एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की जाती है, तो ऐसी दशा में आप उस बेल की कॉपी पुलिस थाने में दे दें या आपके अपने परिजन के माध्यम से उस पुलिस थाने में वो कॉपी पहुंचा दें, ताकि आपको पुलिस अधिकारी उस मामले में गिरफ्तार नहीं करे। एंटीसिपेटरी बेल की क्या अवधि होगी, ये मामले की परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। अधिकतर मामलों में एंटीसिपेटरी बेल कुछ निश्चित समय अवधि के लिए प्रदान की जाती है, उसके बाद आप कोर्ट के समक्ष जाकर रेगुलर बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने रेगुलर बेल के लिए आवेदन कर दिया है, तो यदि कोर्ट चाहे तो आपको रेगुलर बेल पे छोड़ भी सकता है और नहीं भी छोड़ सकता, ये कोर्ट के विवेक पे डिपेंड करता है। यदि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन करते हैं और यदि ऐसे कोर्ट ने आपकी बेल को खारिज कर दिया यानी एंटीसिपेटरी बेल आपको ग्रांट नहीं की, तो ऐसी दशा में पुलिस अधिकारी यानी जिस किसी थाने में आपके खिलाफ कोई FIR दर्ज हुई है, उस पुलिस थाने के अधिकारी को यह अधिकार होगा कि आपको गिरफ्तार कर सके।
तो ये थे सीआरपीसी के सेक्शन 438 में एंटीसिपेटरी बेल के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान, जिनको जान लेने के बाद यदि आपके खिलाफ कोई मामला दर्ज होता है तो ऐसी दशा में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट से जाकर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करवा सकते हैं। और यदि हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपकी बेल को ग्रांट कर लेता है तो ऐसी दशा में कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बावजूद भी आपको उस अपराध में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, जब तक कि आपको गिरफ्तारी के विशेष आदेश न निकाल दिए जाएं। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ ही मैं जल्द ही एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत और रेगुलर बेल जो नियमित बेल होती है उसके मध्य क्या डिफरेंस है, इसको लेकर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।